हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो अभी तक किस जोन में कितने फॉर्म भरा चुके हैं, कुछ जोन के मैं डिटेल्स लेके आया हूं। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और आपको इससे फॉर्म भरने में बहुत सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम। देखिए, जैसे मैंने इसको रजिस्ट्रेशन किया था 6:42 पे, तो देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना देखा जा रहा है, जिसमें कि ये शुरू के डिजिट आप लोग छोड़ दीजिएगा, और जो इसका आपका डिजिट होगा लास्ट का, जैसे यहाँ पे 82897, मतलब 82897 अभी तक इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस जोन से। तो आप लोग यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही जोन में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अगर आप लोग पहले अगर चेक कर लेते हैं तो फिर उससे नहीं भर पाइएगा। अगर आपके पास दो ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर कोई दूसरा हो तब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मतलब नहीं तो मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो जोन भरना होगा फिर दिक्कत हो सकती है। और कभी भी अपना सेम, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम मत दीजिएगा। तो चलिए हम दूसरे जोन की बात करते हैं। देखिए, ये है मुंबई जोन, तो इसमें अभी तक फॉर्म भरा गया है, देख सकते हैं 251736। इसमें आप लोग इसका देख सकते हैं, ये बढ़ते जा रही है। अगर आप लोग चेक करके देखिएगा अभी, तो इससे ज़्यादा होगी, तो आप लोग खुद भी चेक करके देख सकते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं इलाहाबाद। अब बताइएगा इस फॉर्मेट में कैसे है। तो दोस्तों, मैंने दो जोन की मात्र रजिस्ट्रेशन करके देखा है, और ये सब जितने भी जोन हैं और सब, ये मैं इसके बाद साइबर कैफ़े के थ्रू या दूसरे लड़के जो भी अप्लाई किए हैं उनके थ्रू मैंने पूछ के इसको नोट किया हूँ। तो इसीलिए ये सब इस फॉर्मेट में है, और दो इस फॉर्मेट में था पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। देख सकते हैं, मैं इस नंबर नाम से रजिस्ट्रेशन किया हूँ, तो इसके साथ है, इसीलिए जो भी है अब इसके थ्रू ही है। तो इसमें भरा हुआ है इलाहाबाद में अभी तक 411540 है, और सिकंदराबाद में बात करें तो इसमें 248980। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन अभी करते हैं तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी अगर नहीं भरे हैं तो अप्लाई कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु को, तो इसमें 290207 फॉर्म अभी तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो देखिए, जितने रजिस्ट्रेशन होते थे, ज़रूरत नहीं है कि उतने ही फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत फेक भी रजिस्ट्रेशन होती है आजकल, और बहुत के पेमेंट नहीं होते हैं, तो फिर दूसरे जोन से भी दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो एक मतलब ये अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू बताया जा रहा है। बेंगलुरु की बात करें तो इसमें 290207 है, और भोपाल की बात करें इसमें तो 113789 फॉर्म अभी तक रजिस्ट्रेशन किया चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ के, इसमें 265873 रजिस्ट्रेशन किया चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए चेन्नई की बात करें तो 260889 इसमें 97 रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब मालदा की बात करें तो इसमें 158604 रजिस्ट्रेशन अभी तक किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप भरे नहीं हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और जो भी जोन है अगर आप भरना चाहते हैं, तो अगर आपके पास, पहले मैं बता देता हूं, अगर दो मोबाइल नंबर हो, अगर जिस जोन से आप लोग चेक करना चाहते हैं तो उसको जोन से पहले चेक कर लीजिए, अगर देखना चाहते हैं कितने। लेकिन देख लीजिए, फिर दूसरे जोन से वही नंबर को फिर दूसरे जोन में नहीं लेगा, सिर्फ एक जोन में ही लेगा एक नंबर और एक ईमेल एड्रेस। तो आप लोग सही से भरिएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इसके बाद भी आता है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कुछ भी जोन बच जाती है जो, आप कमेंट करके पूछिए, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन जब तक आ जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।